कि आप सभी को मालूम है कि बिलासपुर में मेहमान खाने के दूसरे तल में जो चार नए कमरे बने हैं उनके लोकार्पण के सिलसिले में मैं दिल की गहराई से आए हुए तमाम अतिथियों का, आए हुए तमाम बाहर के मेहमानों का और बिलासपुर के लोगों का इस्तेमाल करता हूँ। ये हिंदुस्तानी तहजीब है कि हमारे मेहमान जब विदेश में जवाब हो चुके हैं तो उनका इस्तेमाल शुरू से करते हैं। मैं दिलीप कुमार साहब से गुजारिश करूंगा कि वो कार्यक्रम के अध्यक्ष और विवेक नाथ के अध्यक्ष हमारी मेमन जमान के सचिव जिनाब अनमोल सिखानी साहब से ये गुजारिश करूंगा कि वो टाइम पे आए हैं जो रहते हैं अपना जहां खामोश उनके हुनर बोलते हैं। जनाब अनमोल सिखानी साहब उसी का मौका है कि हमारे शहर से जुटाए और मंत्री अमर भैया ने आता अमर भैया के सहयोग से हुआ है जिसकी लागत 15 लाख रुपए का काम किया जाए उस काम के लिए डॉक्टर बाबा साहब ने ये जिम्मेदारी और अशोक मेहमन जी के सहयोग से ये काम अंजाम तक पहुंचा जिसका कर लिया जाए। पिछले 3 वर्षों में इसके अलावा समाज की भलाई के लिए और भी बधाई से जिस शख्सियत को बुला रहा हूँ आप उनकी उम्र देख के ये अंदाज नहीं लगा पाएंगे आपके पक्षों में भी जान बाकी है करते हैं बल्कि लोगों को मोटिवेट भी करते हैं अच्छा काम करने के लिए। इन लफ्जों के ज्यादा समय नहीं लेते हुए नहीं सकेगा सबके ख्याल से बचकर कहां जाऊं वो मेरी सोच के हर रास्ते में नजर आता है। ये वो शख्सियत है जिसने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा कौम के नाम वक्त कर दिया।